students, welcome to my class, Standard 5th English 2, Unit number 22, Direct and Indirect Speech, Part 1. है? अब देखना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. ठीक है, लुक एट द रामा सेड अशोक इज एन आइडल बॉय. बोर्ड पे ध्यान देना चाहो. फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है.
और उसका फर्स्ट लेटर में वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा. देन अ कोमा इज प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. यह से ये रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद कोमा लगाना जरूरी है. यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है. टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. कोमा लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको जो सेकंड पार्ट सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उससे अलग करने के लिए यहाँ कोमा लगाना जरूरी है, ठीक है. चलो लिखो, लिखना नहीं है, ठीक है. चलो तुम समझ लिया इतना. अब इन द सेंटेंस टू, ये जो सेंटेंस टू यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो उसमें हमें क्या करना है? द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इनवर्टेड कोमास. जो ये रिपोर्टेड वर्ड्स है उसको इनवर्टेड कोमा में लिखना नहीं है. नो कोमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेड. सेड के पीछे यहाँ कोमा नहीं लगाना है इनडायरेक्ट स्पीच में. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट. अब रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोडक्शन हमें दैट के साथ ही देना है, ठीक है. बीच में दैट लिखना जरूरी है. द वर्ब इज चेंज टू वॉज. अब इज जो वर्ब है उसको हमें वॉज से चेंज करना है. द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. अब रिपोर्टेड जो ये रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो वर्ब है वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा. हमने ये किया है. ये सब कुछ अगर आपको समझ में ना आ रहा है तो वीडियो को दूसरी बार प्ले करके दूसरी बार सुनो, समझो. क्या रिपोर्टेड, ये है पूरी रिपोर्टेड स्पीच जो इनवर्टेड कोमा में है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इसको रिपोर्टिंग वर्ड बोलते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ड है. तो रिपोर्टिंग वर्ड के पीछे कोमा लगाना डायरेक्ट स्पीच में जरूरी है, और डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इनवर्टेड कोमा में आए. बट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ड के पीछे कोमा भी नहीं लगेगा, और रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में हमें गैप लिखना जरूरी है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इनवर्टेड कोमा में नहीं आएगी, और जो वर्ब है वो प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब तक मैंने जो समझाया उसका ये ब्रीफ है, ठीक है. चलो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, और यहाँ लिखो ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट लिख लो.
changing direct speech into indirect speech. Rule 1. If the reporting verb is in the present of or future tense, the verb in the reported speech is not changed at all. अगर reported जो reporting verb, चलो देखते हैं कैसे rule है ये, लिखो. If the reporting verb present or future tense the verb is the reported speech is not changed at all. पहले एक सेंटेंस में लिखती हूँ उसका एग्जाम्पल, फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है. ठीक है, एग्जाम्पल ये होगा डायरेक्ट का. बारी से There is no ink in the ink pot. अब उसका हम इनडायरेक्ट करेंगे. Bali says. अब इनडायरेक्ट में कोमा नहीं लगेगा और यहां बीच में लगेगा that. Bali says that there is no ink in the ink pot. ठीक है, उसके ऊपर से हम ये समझते हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं, ये सेज है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगा तब the verb in the reported speech. तो ये reported speech का जो verb है is not changed at all. तो वो change नहीं होगा. इससे पहले sentence में हमने Rama said था. Said तो past tense हुआ. तो past tense था इसलिए हमने इसका verb किया था. तो याद रखना है कि present tense और future tense का जब यहाँ says हो, reported verb present और future tense का हो, तब हमें ये जो reported speech का verb है उसको past tense में change नहीं करना है. ठीक है, चलो ये पहला example था. अब दूसरा लेते हैं example two. The teacher पहले English वाला sorry future का लिखते हैं. Sir will say dinner is ready.
सर विल से डिनर इज रेडी। तो ये फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तब हमें लिखना है अफजल विल से, अब दैट लिखेंगे दैट, तो यहाँ भी वर्ब नहीं चेंज होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। दैट डिनर इज रेडी। ओके, राइट इट डाउन। अच्छे से लिखना, एग्जाम्पल लिखते हैं। थर्ड, द टीचर सेज द बॉय वॉज लेजी। The teacher said the boy was lazy. अब यहाँ भी present tense है तो was का was ही रहेगा, was change होगा नहीं। Reported verb present tense में है तो reported speech का verb change नहीं होगा। The teacher says that, यहाँ दोनों sentence के बीच में that add करेंगे, फिर कोमा और इंपोर्टेड कोमा कुछ लगेगा नहीं। द टीचर सेज दैट द बॉय वॉज लेजी। ओके, फोर्थ, रामा विल से nobody was in the room. Rama will say nobody was in the room. अब ये future tense है, ये reported verb जो है वो verb जो है simple sorry future tense में है तो ये change होगा नहीं, reporting speech का verb change नहीं। Rama will say, अब इसके बीच में क्या लिखेंगे, Rama will say that nobody
was in the room. चलो ये दोनों एग्जाम्पल भी लिख लो, फिर रूल नंबर टू देखेंगे. ओके, तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है. रूल नंबर टू से हम पार्ट नंबर टू तक में देखेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. इसकी प्रैक्टिस करते रहना.